लखनऊ में 14 दिवस बाद दारू की दुकाने खोलवामां आवी हती, जेमां दुकानदारों नो मास्क नो एंट्री नो वाइन ना पोस्टर लगावीने लोकोने जागृत करी रह्या छे। सरकारे कोरोना गाइडलाइन मुजब दुकाने खोलवानी मंजूरी आपी छे। दुकान सवारे 10 થી 7 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહેશે। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था, ऐसे में जो आबकारी जो शराब की दुकानें उनको बंद कर दिया गया था। आप देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में अब 14 दिन के बाद शराब की दुकानें खोली गई। आप देखिए एसोसिएशन द्वारा ये शराब की दुकान है और यहाँ पर एसोसिएशन द्वारा लिखा गया है कि मास्क एक सावधानी और नो मास्क नो वाइन। तो सबसे बड़ी बात है कि जो शराब एसोसिएशन या आबकारी एसोसिएशन द्वारा ये लगाया गया है, उसमें सचेत किया गया कि अगर आप मास्क नहीं पहने तो आपको शराब नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर ये जागरूक चला रहे हैं। पूरे राजधानी लखनऊ में जितने भी वाइन शॉप हैं सबको ये स्टिकर लगाए जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कि यहाँ पर उपाध्यक्ष जी मौजूद है, जो आबकारी के उपाध्यक्ष हैं। सर क्या नाम है? शंकर कनौजिया। 14 दिन के बाद आबकारी की दुकान को खोलने का वो मंजूरी मिली है, किस तरह से देखते हैं? कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, क्या क्या कर चीज़ें करेंगे? हम लोग तो सर कोविड का पूरा तरीके से फॉलो करेंगे और बाकी नो मास्क नो वाइन और बाकी हम लोगों ने गोले बना रखे हैं, 2 मीटर की दूरी मास्क से जरूरी। 14 दिन के बाद ये दुकानें खोली जा रही हैं, क्या लगता है कि इस 14 दिन के दौरान कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितना रोजगार में क्षति पहुंची है? सर हम लोगों के बहुत रोजगार की क्षति पहुंची है, क्योंकि हम लोगों की लाइसेंस फीस एडवांस में ही जमा होती है और इसीलिए हम लोगों ने शराब दुकानों की मांग की है। पिछले वर्ष की भी हम लोगों की 1.5 महीने की 46 दिन की लाइसेंस फीस वापस नहीं आई है। इसी वजह से हम लोगों ने मांग की है कि कम से कम इस बार राजस्व का भी 100 करोड़ रुपए लगभग डेली का नुकसान हो रहा था राजस्व का, तो हमने कहा कि इसीलिए दुकान खुले, कम से कम सरकार का राजस्व आए, हम लोगों की भी रोजी रोटी चले, क्योंकि हम लोगों ने तो फीस जमा ही कर रखी है एडवांस में। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आखिरकार 14 दिन के बाद राजधानी लखनऊ में आबकारी के जो शराब की दुकान है ठेके हैं वो सभी खोले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शराब एसोसिएशन के द्वारा सरकार से ये अनुमति लेने के लिए कोशिश की गई थी कि इसको खोला जाए तो कहीं ना कहीं राजस्व को भी लाभ होगा और ऐसे में जो व्यापारी जिनका नुकसान हो रहा था उनकी भी नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं से हो पाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ में जो शराब जो बंद दुकानें थी, ऐसे में जो आम लोगों को तमाम लोगों को दिक्कतें होती है, अब उनकी मुश्किलें भी आसान होती नजर आ रही है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़।